हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बातें जो होती हैं पूरे चैप्टर में बिखरी हुई होती हैं, चाहे हम 11th का चैप्टर ले लें या चाहे हम 12th का चैप्टर ले लें, इन सभी में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तब तो वो क्वेश्चन कर पाओगे सॉल्व, वरना आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो 1D है वो तो पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। देखिए क्या है डिफरेंशिएशन, क्या है अवकलन, समझिए इस बात को। देखो, इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, पहले उन्हें ध्यान से सुनिए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखिए दिशाएं जो होती हैं, डायरेक्शन जो होती हैं, वो 6 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, ठीक है। तो दिशाएं 6 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो दिशाएं हमारे पास में थी उसके बावजूद भी ये हम जो एक्स वाई जो हैं और जेड हैं ये डायरेक्शन क्यों लेते हैं, इसका एक कारण ये था कि एक्चुअली में हम स्टडी को आसान करने के लिए साइंस ने क्या किया, अपनी खुद की दिशाएं मान ली। अब मैं पूर्व को पश्चिम नहीं मान सकता, पूर्व तो पूर्व है, ईस्ट तो ईस्ट है, वेस्ट तो वेस्ट है, वेस्ट को आप ईस्ट नहीं मान सकते, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार डायरेक्शन को नहीं मान सकते, इसलिए ये जो एक्स वाई जेड है इन डायरेक्शनों को बनाया गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको क्या लेते हैं, एक्स डायरेक्शन लेते हैं, इसको माइनस एक्स, इसको प्लस वाई और इसको माइनस वाई, और ये प्लस का जेड और नीचे माइनस का जेड, ये डायरेक्शन लेते हैं। यहाँ पर ये कतई ज़रूरी नहीं है कि इसको आपने एक्स माना है तो ये एक्स डायरेक्शन ही है, बिल्कुल नहीं है। इसको आप वाई भी मान सकते हो, इसको आप वाई मानो कोई ज़रूरी नहीं, इसको आप एक्स भी मान सकते हो। हाँ, ये हमारी परिपाटी, ये परंपरा जो है वो ये रही है कि इस एक्सिस को एक्स मानते हैं और इसको आप क्या मानते हो, वाई मानते हो, ठीक है। चलो अब देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिया मैंने, यहाँ पर वाई लिया है, यहाँ से एक कोई पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है इधर चलना स्टार्ट करता है, समय के साथ चलता है। वो टी बराबर 0 पर था, यहाँ पर था, समय बीता वो यहाँ आ गया, समय और बीता वो यहाँ पर आ गया, समय और बीता वो यहाँ आ गया, समय और बीता यहाँ आ गया, और समय बीता यहाँ आ गया। तो देखिए समय के साथ इस पार्टिकल की स्थिति जो है वो बदल रही है, समय के साथ इस पार्टिकल की स्थिति है वो बदल रही है, यानी कि जो यहाँ पर एक्स है वो समय के साथ बदल रहा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कि जो एक्स है वो फंक्शन ऑफ टी, यानी कि समय का फलन है, यानी कि जो एक्स है वो समय के साथ बदल रहा है, ये होता है इसका मतलब। फिर देखिए मैं यहाँ पर और दिखाता हूँ, ऐसे ही मैंने कह दिया कि कोई पार्टिकल है वो टी बराबर 0 समय में यहाँ था, फिर वो समय के साथ चला, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल जो है वो वाई एक्सिस पर समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो वाई है वो समय के साथ बदल रही है। तो मैं इसको लिखूंगा वाई बराबर फंक्शन ऑफ टी, तो इसको क्या लिखेंगे, वाई बराबर फंक्शन ऑफ टी, यानी कि समय के साथ ये बदल रहा है वाई। यहाँ पे देखिए वाई जो है वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, वाई पर कण जो है वो यहाँ था और वो यहीं पर ही है, आगे वो चल नहीं रहा है, तो वाई क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो x पर कोई पार्टिकल चल नहीं रहा है, यानी कि x जो है वो समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो इसको आप लिख दोगे x बराबर 0। बोलो बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए,
आगे हम यहां पर क्या चर्चा करते हैं उसको देखना। देखो बेटा, ध्यान से देखना, मैंने ये कहा है कि टी समय पर कोई पार्टिकल जो है वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। टी वन समय पर कोई पार्टिकल एक्स वन डिस्टेंस ट्रेवल करता है, टी टू समय पर वो एक्स टू डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि डेल्टा टी समय के अंदर, इन दोनों का मैं अंतर ले लेता हूं, तो डेल्टा टी समय के अंदर कोई पार्टिकल जो है वो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखो क्या कहा है मैंने, देखिए यहां पर T1 समय के अंदर पार्टिकल जो था वो X1 पे था, T2 समय पर जो पार्टिकल था वो X2 पे था। ये यहां पर क्या है, ये इसके यहां पर टाइम इंटरवल है डेल्टा टी। यहां पे इंटरवल कितना बेटा, डेल्टा एक्स, कितना है डेल्टा एक्स है यहां पर, ठीक है। और स्टार्टिंग पार्टिकल जब यहां था तो यहां पर था वो, ये इसका ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा इसका, क्या कहलाएगा इसका, मूल बिंदु। मूल बिंदु पर आप देख रहे हो कि यहां पर एक्स भी कितना है, जीरो, वाई भी कितना है यहां पर, जीरो, तो इसको लिख सकते हो जीरो जीरो, ठीक भाई। ये वाई पे कहीं जा नहीं रहा है, जीरो पे ही है, एक्स पे कहीं जा नहीं रहा है, अभी तो यहीं पड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर हम ही लिखेंगे x बराबर जीरो, y बराबर जीरो। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है अपनी ओरिजिन पर है, अपने मूल बिंदु पर है, या कह सकते हो मूल अवस्था के अंदर है, मूल बिंदु के अंदर है, ये कहना सही रहेगा, मूल बिंदु के अंदर है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर देखो डेल्टा टी जो है, हमने कहा कि डेल्टा टी समय के अंदर पार्टिकल ने जो ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा एक्स है। यहां पर डेल्टा टी समय के अंदर किसी पार्टिकल ने डेल्टा एक्स विस्थापन ट्रेवल किया है यहां पर, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ओके। यहां पर मैंने ये कह दिया कि ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डेल्टा टी जो होता है वो टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल, ओके। और ये जो होता है वेलोसिटी होता है, क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अगर मैं यहां पर सुनना बात को, ये डेल्टा एक्स है डिस्प्लेसमेंट है यहां पर, और डेल्टा टी है यहां पर टाइम इंटरवल, ये डेल्टा इस बात को शो कर रहा है कि यहां पर जो समय अंतराल है वो कितना है, वो बड़ा है। अगर समय अंतराल छोटा हो तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, छोटा होगा। तब हम इसको क्या लिखेंगे, अगर मैं कहता हूं इंटरवल क्या हो, स्मॉल हो, इंटरवल क्या हो, स्मॉल हो, बहुत ही छोटा हो, कम हो, तब हम क्या लिखेंगे इसको, डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे। भाई जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है तो उसको डी एक्स से लिखते हैं, इंटरवल छोटा होता है तो उसको डी टी से लिखते हैं, डी लगा देते हैं। जब बड़ा हो तो डेल्टा, स्मॉल हो तो हम क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं। अब सुनो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन सुनो, क्या होती है अवकलन की समीकरण, अवकलन की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है, सुनना बात को। अल्प समय अंतराल के अंदर सूक्ष्म अंतराल में परिवर्तन की जो दर ज्ञात करना होता है वो क्या होता है, अवकलन होता है। यानी कि स्मॉल इंटरवल के अंदर अगर आप रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यहां पर देखिए बेटा, ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आया है, हमारे पास दो चीजें मिली है यहां पर, देखो दो चीजें मिली है। एक फर्स्ट तो हमें ये मिला है, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ओके। और एक जो मिला है हमें डी एक्स अपॉन डी टी, स्मॉल लेते हैं तब ये मिलता है। तो अब देखो ये क्या है, ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बेटा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये भी क्या है बेटा, वेलोसिटी ही है, ये भी क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पर बस है तो बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही, लेकिन वो क्या है, अल्प है, बहुत ही कम है। यहाँ पे भी क्या डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन बहुत ही कम है, अल्प है यहाँ पर, लेकिन है तो सही ना बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी।
जब वेलोसिटी है तो अब ये दोनों वेलोसिटी, इन दोनों में अंतर क्या है? भाई अंतर है तभी तो हम लोगों ने इसको अलग अलग लिखा है, वरना अगर अंतर नहीं होता तो हम इसको अलग अलग क्यों लिखते? तो इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो अपन को देखना है। देखो बेटा समझना बात को, मैंने यहां पर कहा है कि अगर डिस्प्लेस टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा हो, क्या कहा मैंने कि टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा हो तब हम ये लेते हैं, और टाइम इंटरवल बहुत कम हो तो हम ये लेते हैं। तो यहां पर बात किसकी है, टाइम इंटरवल की है। तो सुनिए बात को, जब मैंने ये कहा है कि टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा हो तब क्या कहानी होती है, सुनना इस चीज को। देखो आपके पास में 2 घंटे थे और आपने मुझसे कहा कि सर मेरे पास 2 घंटे का समय है और आप मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए और मैं बाहर घूम के आऊँगा। मैंने आपको चाबी दे दी और मैंने कहा भी जाओ अपनी जी लो जिंदगी। आप गए, 2 घंटे बाद आप बस लौटते हो, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई एक बात बताओ, आपने 2 घंटे का सफ़र किया है तो इस 2 घंटे के सफ़र में आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रही, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रही, वेलोसिटी क्या रही? तो आप बोलोगे सर मैं बता नहीं सकता एग्जैक्ट। तो क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं सर घर से निकला तो मेरी गाड़ी की स्पीड जो थी वो 5 किलोमीटर पर सेकंड थी, ठीक है, या पर मिनट थी। मैं फिर मैंने आगे देखा कि जब मैं गलियों से निकल गया था जहाँ पर खड्डे थे तो वहाँ पर मेरी स्पीड कम थी, जहाँ मैं आगे निकल गया तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर बिल्कुल सड़क जो है बिल्कुल खुली है, तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया और बढ़ा कर ये कर दिया 15 किलोमीटर पर मिनट कर दिया मैंने। फिर मैंने आगे देखा, आगे तो कुछ भी नहीं था, ना ट्रैफिक था ना कुछ और था, फिर मैंने स्पीड को और बढ़ा दिया 20 किलोमीटर पर सेकेंड कर दिया, पर मिनट कर दिया मैंने 20 किलोमीटर पर मिनट कर दिया मैंने। फिर मैंने देखा आगे जो है वो क्राउड आ गया, तो मैंने अपने स्पीड को कम कर दिया 3 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से कर दिया, ठीक है। फिर आगे चला, फिर मैंने वहाँ देखा कुछ क्राउड नहीं है, अपनी स्पीड को मैंने और बढ़ा दिया, मैंने बढ़ाया 30 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से। फिर मैंने देखा आगे जो है वो गाय है भैंस है जो भी है जानवर वो आगे, तो मैंने अपनी स्पीड को कम कर दिया। तो सर मैं अपनी एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता सकता कि इतनी रही थी, क्योंकि मेरा समय अंतराल जो था, टाइम इंटरवल था, वो बहुत ज़्यादा था। तो मैं बोलूँगा कि सर मैं अपनी मोटा मोटी जो आपकी जो स्पीड है वो आप एवरेज लेकर के बता दीजिए कि आपकी जो स्पीड है वो एवरेज में इतनी रही होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, एवरेज बताओगे, और जो निकल के आएगा एवरेज ही निकल के आएगा। 2 घंटे के अंदर का टाइम इंटरवल बहुत बड़ा होता है और उस बड़े टाइम इंटरवल के अंदर आप अपनी एग्जैक्ट वेलोसिटी है, स्पीड है, वो नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो अगर जब टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा हो और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू निकल के आती है एवरेज वैल्यू निकल के आती है, तो यहां पर ये क्या है, औसत वेग है। यहां पे ये क्या है बेटा, औसत वेग है, एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी है। यहां पर क्या है, यहां पर एवरेज वेलोसिटी, यहां पर ये क्या है, यहां पर एवरेज वेलोसिटी है। जब भी टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तो हमें जो मिलेगा वो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। और ये प्रोसेस कौन सा है, डिवाइडेशन प्रोसेस है, ये भाग मेथड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है, यहाँ पर यानी कि सिंपल क्या हो रहा है, भाग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ आते हैं, मैंने कहा समय को आप और कम कर दीजिए, जो टाइम इंटरवल है आप कम कर दीजिए, टाइम इंटरवल है वो आप कम कर दीजिए। जब आपने टाइम इंटरवल कम किया तो मैंने ये कह दिया कि आप 15 मिनट का कर दीजिए, तो भी 15 मिनट के अंदर भी गाड़ी की स्पीड जो है वो अच्छी खासी जो है वो हो जाती है, चेंज हो जाती है, खड्डाएँ कम हो गई, ठीक है, एकदम रोड जो है बिल्कुल प्लेन आ गई है, तो स्पीड आपने बढ़ा दी, तो यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन मैंने कह दिया टाइम के इंटरवल को आप बिल्कुल ही कम कर दीजिए, 1 सेकंड का कर दीजिए, तो 1 सेकंड के अंदर आपकी आपकी जो वेलोसिटी है वो इतनी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो चेंज नहीं हो सकती, तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, एग्जैक्ट वेलोसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, एग्जैक्ट वेलोसिटी मिलेगी, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर मिलेगी, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, क्या बोलते हैं इसको, तात्क्षणिक वेग, या बोलते हैं इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहां पर क्या है, टाइम इंटरवल कम है, ठीक है। तो देखो सिंपल भाग मेथड से या डिवाइडेशन मेथड से तो वो अपन गेट ही नहीं कर सकते। मान लो मैंने समय का अंतराल को कम ले लिया,
मैंने टाइम के इंटरवल को मान लो मैंने कम ले लिया, जब मैंने टाइम के इंटरवल को अगर कम ले लिया यानी कि मान लो जीरो ले लिया, तो जीरो पे तो मुझे यहाँ पर डेल्टा एक्स भी क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, डेल्टा टी वैसे ही जीरो है तो जीरो बटा जीरो हो जाएगा, ये जीरो बटा जीरो हो जाएगा और ये डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब टाइम का इंटरवल हो बहुत ही कम तब हम ये डिवाइडेशन मेथड है वो भाग मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सा करेंगे, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हुआ है टाइम इंटरवल यहाँ पर कम है, इसका मतलब ये डिवाइडेशन मेथड नहीं है, भाग मेथड नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है, तो ये यहाँ पर है अपन कह सकते हैं डिफरेंशिएशन मेथड है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन मेथड है यानी कि अवकलन मेथड है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अवकलन हुआ है, क्या हुआ है, अवकलन हुआ है। तो ये होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर जो टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, यहाँ तक कि जीरो भी हो सकता है, जीरो टाइम इंटरवल के अंदर भी हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो बेटा न्यूटन कितना महान साइंटिस्ट था कि उसने जीरो टाइम इंटरवल में भी जो है वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करके बता दी, डिफरेंशिएशन दिया इसलिए बता पाया। अगर वो डिफरेंशिएशन नहीं दे पाता तो हम जो है कभी इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। अब बात ये कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि उसने वेलोसिटी जो कही है वो एवरेज कही है इंस्टेंटेनियस कही है। तो सुनो इस बात को, देखो अगर मैं सिंपल फोर्स की बात करता हूँ, सिंपल पावर की बात करता हूँ, सिंपल वेलोसिटी की बात करता हूँ, सिंपल एक्सीलरेशन की बात करता हूँ, त्वरण वेग शक्ति बल इन सब की बात करता हूँ सिंपल, तो उसको आप इंस्टेंटेनियस मानोगे यानी कि तात्क्षणिक मानोगे। अगर वो आपसे एवरेज पूछेगा तो वो बोलेगा, औसत पूछेगा तो वो बोलेगा कि भाई औसत वेग निकालिए, औसत बल निकालिए, औसत त्वरण निकालिए, वो आपसे कहेगा। तो यहाँ पर इसको आप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हम लेते हैं वो लेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले, अवकलन के कुछ फॉर्मूले लेंगे, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, फिर उससे आपको अवकलन के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए बेटा हम क्या करते हैं, इसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं देखना, देखो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, फॉर्मूले अवकलन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पर ये लेते हो डी एक्स की पावर एन और अपॉन में डी एक्स, देखो यहाँ पे जो आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पर जो होगा वो किस फॉर्म में है, मैंने कह दिया यहाँ पे वेलोसिटी है वो एक्स के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स आएगा, मैंने कह दिया यहाँ पे वेलोसिटी है वो टी के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आएगा टी आएगा, बाकी जो डी है वो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो अब देखो इसके अंदर हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सुनना बात को, मैं क्या करूंगा इस पावर को बाहर लेकर के आऊंगा, ये पावर बाहर आई, डिफरेंशिएशन क्या होता है पावर बाहर आती है और फिर एक्स लिखते हो आप और एक पावर कम हो जाती है, एक पावर कम हो जाती है, ये होगा इसका फॉर्मूला। जबकि एक्स के ऊपर एन आएगा, एन यहाँ पर क्या कोई पावर है, एन यहाँ पर कोई पावर है और ये पावर जो है वो बाहर आएगी और फिर क्या इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ये इसका एक फॉर्मूला। फिर देखिए डी सी अपॉन डी एक्स, सी यहाँ पर जो है बेटा क्या है कांस्टेंट है, सी यहाँ पे क्या है बेटा कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है एक नियत है, कांस्टेंट है यहाँ पर, नियत है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बेटा आपको पता है जब कोई चीज़ नियत होती है, जब कोई चीज़ नियत होती है तो उसमें परिवर्तन की जो दर होती है, रेट ऑफ चेंज जो होती है वो कितना होता है, जीरो होता है भाई, उसके अंदर रेट ऑफ चेंज जीरो है तभी तो वो कांस्टेंट है, उसके अंदर परिवर्तन कितना जीरो है तभी तो वो कितना है जीरो है, उसके अंदर परिवर्तन जीरो है तभी तो वो कांस्टेंट है। और आपको पता है जो अवकलन जो होता है डिफरेंशिएशन होता है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रेट ऑफ चेंज होती है तो कांस्टेंट है वो, उसका जो मान है वो परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता इसका मतलब कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो कितना होता है जीरो होता है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर देखिए डी ए की पावर एक्स अपॉन डी एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा ए की पावर एक्स होगा, ए की पावर एक्स होगा। फिर देखिए
फोर्थ डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। यहां पर साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का जो यहां पर डिफरेंशिएशन होता है, यहां पे देखिए साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है। डी साइन एक्स इजिकल टू कॉस एक्स। फिर देखिए फाइव डी कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होगा बेटा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। फिर देखिए डी लॉग के बेस में ई एक्स और डी एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, वन अपॉन एक्स होगा, वन अपॉन एक्स होगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन के ये जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखिए, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। तो इससे बाहर अपने नहीं आएगा, अपना जो काम है इसी से चल जाएगा, ठीक है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे नोट्स के अंदर है ये, बाकी कोई नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब देखिए अपन इस पे कुछ प्रैक्टिस है वो कर लेते हैं, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इसमें आप आगे जो है कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर आपको सीखना है, आगे कुछ करना है, डिफरेंशिएशन को कंप्लीट सीखना है, तो आपको इस पर क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस जो है वो आनी चाहिए। देखिए अवकलन का फर्स्ट रूल, डिफरेंशिएशन है ये, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल में क्या होता है, देखिए मैंने कहा डी है, ये सी है यहां पर, और यहां पर एफ, ये एक्स है यहां पर, एफ एक्स, और ये डी एक्स। तो देखिए यहां पर क्या कहानी हो रही है, ये पहला रूल्स है, ये पहला रूल है डिफरेंशिएशन का, ये पहला रूल है। और इस रूल्स में क्या बात हो रही है, सुनिए बात को, ये यहां पे क्या कांस्टेंट है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। जब भी डिफरेंशिएशन में किसी फलन के साथ में कांस्टेंट आता है, वैसे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन किसी फलन के साथ में या किसी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को आप क्या निकाल लेते हो, बाहर निकाल लेते हो, और बाहर निकालने के बाद आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है, ये पहला रूल्स है। अब इस रूल्स पे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस करते हैं, अवकलन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला मैंने लिया यहां पर y बराबर 5x³, ये ले लिया मैंने y बराबर 5x³। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो dy अपॉन में dx, ये मैंने dx क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर जो 5 है, ये जो y जो है वो x का फलन है, y जो है x का फलन है, x के फॉर्म में है तो यहां पे x लिखोगे। अगर यहां पर y t के फॉर्म में होता तो यहां पर आप क्या लिखते, t लिखते। चलिए आगे d 5x³ और अपॉन में dx, ओके इसको आप करते हो तो क्या किया, देखो आपने फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, 5 जो यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, ये 5 कभी बदलेगा नहीं, तो 5 कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो आपने इसको बाहर निकाल लिया। अब क्या करोगे, आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, एक्स क्यूब या डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल है बेटा, आपके पास में फार्मूला है कि एक्स की पावर जो एन होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एन एक्स एन माइनस का वन, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, डी है एक्स की क्यूब है और ये डी एक्स है, तो देखो ये पावर है, ये पावर बाहर जाएगी, ये बाहर निकाल लिया, फिर एक्स लिखा आपने एक्स, फिर n माइनस का 1 है तो 3 माइनस का 1, तो क्या हो गया आपके पास में, 3x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप और भी ले सकते हो, y बराबर 8x की 4,
ठीक है, इसको देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये लिखिए इसके अंदर x की फॉर और ये डी एक्स, ओके इसको सॉल्व कीजिए। वो ही है तरीका अपना x की पावर n को सॉल्व करने के लिए, आप n x n माइनस का वन लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना अपने पास में डी एट एक्स की पावर फोर है और ये डी एक्स है, आठ कॉन्स्टेंट है उसको आप बाहर निकालिए, ठीक है। एक्स की पावर फोर है, अब हम इसका अवकलन करेंगे, एक्स की पावर फोर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले आप कंप्लीट प्रोसेस से कीजिए, फॉर्मूला भी लगाइए बार बार और कंप्लीट प्रोसेस कीजिए, इससे क्या है आपको चीज़ें जो है मेमोरी में फिट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और जब ये फिक्स हो जाएगी फिर आप शॉर्ट में कर सकते हो, बीच के स्टेप बढ़ा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट जब भी आप प्रैक्टिस करोगे एक दो बार पूरा प्रोसेस लोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये एट बाहर निकाला, एक्स फोर का क्या होता है पावर बाहर और एक पावर कम कर देंगे तो 32 एक्स की पावर 3 ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया इसका। बोलो कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, सारे आपको करने हैं प्रैक्टिस एक बार, सभी की आपको करनी ही पड़ेगी तभी ये जो है अवकलन आपको डिफरेंशिएशन जो आपको अच्छे से आएगा और आगे जो है आगे जो लेक्चर है वो समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। देखिए मैं लेता हूँ थर्ड y बराबर 2/x, मैं ये लेता हूँ y बराबर 2/x। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो भाई हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है x की पावर के फॉर्म में, लेकिन ये तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म के अंदर लेके आना पड़ेगा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म में इसको लेकर के आओगे तो कैसे लेकर के आओगे, देखो सॉल्यूशन इसका y बराबर 2/x है, इसको ऊपर लेके जाइए y बराबर 2 है, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x पावर माइनस का 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे आप क्या करोगे, फिर देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी है 2 की पावर x माइनस का 1 और ये डी एक्स, ये हो गया, ये क्या है कांस्टेंट है और ये इसकी पावर है। तो डिफरेंशिएशन में अवकलन में जो कांस्टेंट होता है वो क्या आता है बाहर आता है, दो दो को आपने क्या निकाल लिया बाहर निकाल लिया, फिर क्या आता है पावर बाहर आती है, पावर जब बाहर आएगी तो विद साइन आएगी, चिन्ह सहित आएगी, तो ये चिन्ह सहित लगा दिया बेटा, फिर क्या लिखा आपने एक्स की पावर माइनस का 1 तो है ही बेटा, और माइनस का 1 और करना है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स एन एन एक्स एन की पावर माइनस का 1, तो माइनस का 1 और लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा अनुपात में माइनस का 2 और ये एक्स माइनस का 2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ में नहीं दिया होगा, चलो नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, देखो y बराबर, ये भी एग्जाम्पल है बेटा प्रैक्टिस का, y बराबर 8/x2, 8/x2 इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो, देखो सिंपल है बेटा, वही है आपके पास में जो फॉर्मूला होता है वो x की पावर n के फॉर्म में होता है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है एन एक्स एन की पावर माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आओगे तो इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो ये 8x माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, देखो सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, तो अब क्या होगा dy अपॉन में dx,
और ये कितना है डी 8x माइनस का 2 है और अपॉन में dx, यही है बेटा। देखें कांस्टेंट बाहर, पावर विद साइन बाहर, और एक पावर आप कम कर दीजिए, यही होता है, एक पावर कम कर देते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर हमें ही देखना बेटा, पावर जो होती है वो बाहर होती है और एक पावर कम हो जाती है। तो ये कितना हो गया बेटा माइनस का 16 और x का माइनस का 3, तो कितना बड़ा माइनस का 16 एक्स की क्यूब, ये भी इसको लिख सकते हो। तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे, अच्छा एग्जांपल है y बराबर 2√x, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, y बराबर 2√x है इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो सिंपल है बेटा, इसको भी आप क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, पावर के फॉर्म में लेके आओगे, क्योंकि ये पावर तो है नहीं बेटा, तो रूट है। और आपको पता है कि रूट का जो पावर होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। रूट का पावर क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पर हाफ होगा यहाँ पर, तो देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर लिखोगे यहाँ पर डी 2x की पावर हाफ और ये डी एक्स। ओके देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कांस्टेंट दो है बेटा वो बाहर जाएगा, कांस्टेंट दो क्या जाएगा बाहर, पावर बेटा क्या जाएगी बाहर, और x का x और एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। डिफरेंशिएशन में क्या होती है, एक पावर कम होती है। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अपने पास बचेगा x की पावर माइनस का हाफ, इसको आप यूं भी लिख सकते हो एक बटा एक्स की पावर हाफ, या लिख सकते हो उसको एक बटा रूट में एक्स, एक बटा रूट में एक्स। तो इसको डायरेक्ट आप ध्यान में रख सकते हो कि 2√x जो होता है उसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है 1/√x होता है। तो ये चीज़ है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट अच्छा एग्जांपल है, वैरायटी है बेटा इसकी, y बराबर 4√x, इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके उसका सॉल्यूशन कीजिए, फिर आप इसके अंदर मिलाइए इसको। देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर यहाँ बेटा इसको आप पहले तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, किसमें लेकर आओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो देखिए 4 है बेटा अपॉन में रूट एक्स है, इसको आप हाफ ले सकते हो। फिर देखिए 4 है, इसको आप ऊपर लेके जाइए एक्स है और ये माइनस का हाफ, ये माइनस क्या है हाफ है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे सॉल्व, डी 4x माइनस का हाफ अपॉन में डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर, ओके पावर भी विद साइन बाहर, ओके फिर एक पावर इसमें से आप माइनस कर दीजिए, एक पावर आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, देखिए माइनस का 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो माइनस का 2 यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको आप कैसे ले सकते हो, इसको आप ये ले सकते हो माइनस का 2 और x की पावर 3/2। अब इसको और कैसे ले सकते हो, यहाँ पे देखिए 3/2 है, इसको आप ये ले सकते हो माइनस का 2 x 1, ये ले सकते हो आप 1/2। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, साफ नजर आएगा आपको x 1 और हाफ, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की पावर एक तो क्या है 1 है और एक पावर क्या है हाफ है। तो आप इसको यूं लिख सकते हो माइनस का 2 1 पावर है तो ये 1, हाफ पावर है तो ये हाफ, तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो ये, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, नोट कीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बेटा एग्जांपल अच्छा है,
एट एक्स और ये रूट एक्स, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? देखो सॉल्यूशन इसका, पहले तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाइए, पावर के फॉर्म में लिखाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पावर के फॉर्म में लिखाइए क्योंकि ये रूट के अंदर है बेटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाओगे तो कैसे लिखाओगे, सुनो बात को, ये है अपने पास में 8x, ये आपके पास में पावर हाफ, ये पावर हाफ, तो देखिए ये एक पावर होगी और एक हाफ पावर होगी मल्टीप्लाई के अंदर, तो कितना हो गया, तीन बटा दो हो गया, तीन बटा दो हो गया, ये तीन बटा दो हो गया, या इसको आप ले सकते हो यहां पर, ये भी ले सकते हो 1.5। एक तो एक पावर है, एक क्या हाफ पावर है, तो कितना हो गया 1.5, ये इसकी पावर होगी। अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे देखो, डी वाई, ये y बराबर थे बेटा, ये यहां पर क्या है y बराबर है, एग्जांपल है y बराबर, तो dy वाई अपॉन डी एक्स, तो देखिए d है 8x 1.5 और ये dx। देखो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम कैसे करते हैं उसको देखिए, देखो बेटा इसके अंदर 8 बेटा कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लिए, फिर पावर को भी बाहर निकालिए, पावर को आपने क्या निकाला है, बाहर निकाला है, फिर क्या कीजिए बेटा, एक पावर इसमें से कम कर दीजिए, माइनस तो करना है बेटा। देखो ये यहां पे कितना हो गया बेटा, अगर आप इसको डिवाइडेशन करोगे तो कितना होगा, देखो यहां पे बेटा 12, ओके एक्स 1.5 है और माइनस का 1 है, तो यहां पे 0.5 बचेगा, यानी कि पावर हाफ बचेगी, पावर हाफ बचेगी, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका अवकलन हो गया, नोट इट, इसको उतारें आप। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y बराबर 2 एक्स स्क्वायर एक्स, देखिए बेटा इसके एग्जाम्पल के अंदर, एक सेकेंड, y बराबर 2 एक्स स्क्वायर रूट में x, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर अच्छे से समझना इस बात को, देखो यहां पर आप इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है आपको, तो कैसे लेके आओगे, देखो दो है यहां पे, देखो बेटा कितना हाफ है और यहां पे कितना दो है, तो कितना हुआ 2.5 हुआ, तो 2x की पावर 2.5, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस का 2.5, यही तो बनेगा, यही बनेगा इसका, ठीक है। तो अब देखिए इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, dy वाई अपॉन में डी एक्स, फिर देखो 2x माइनस का 2.5 और अपॉन में dx, ओके। फिर देखिए कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट बेटा बाहर आएगा, कांस्टेंट बाहर, पावर बेटा विद साइन बाहर, पावर विद साइन बाहर, फिर देखिए और एक पावर कम हो जाएगा, माइनस का 2.5 है और माइनस का 1 हो जाएगा, पावर बेटे कम हो जाते, डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है, तो देखिए यहां पर देखो कितना आएगा 10 माइनस का इंटू एक्स माइनस का 3.5, इसको आप लिख सकते हो माइनस का 10 और यहां पे लिख सकते हो बेटा एक्स की पावर 3.5 और इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे बेटा कितना आएगा 5 आएगा बेटा, कितना आएगा 5, सॉरी बेटा 5 आएगा, मुझे यहाँ पर 4 फील हुआ, मुझे यहाँ पर 4 फील हुआ, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है 3.5 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 5 और ये मैंने क्या लगाया यहाँ पर x की क्यूब लगाया और 0.5 लगाया, यानी कि एक पावर क्यूब के अंदर है और एक पावर कितनी है हाफ है यहाँ पर, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स क्यूब और ये रूट के अंदर एक्स। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है, कैसे भी ले सकते हो, सिंपल है, इजी है बेटा। चलो नेक्स्ट लेते हैं, उतारो इसको।
अब देखिए आगे y बराबर 40 स्क्वायर है, तो इसमें आपसे ये कहा है कि आप इसके अंदर vt रिलेशन निकालिए, vt रिलेशन निकालिए, vt रिलेशन निकालिए। देखो कैसे निकालते हैं अपन, देखो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, vt आएगा। ये बेटा क्या है, ये x है, यहां पे क्या है x है, यानी कह सकते हो बेटा ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका अवकलन करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, dy अपॉन dt है बेटा, ठीक है। इसका आप x मान लीजिए, चलो x बराबर 40 स्क्वायर, क्योंकि आप x से परिचित हो तो ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। dx अपॉन dt लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, v हो जाएगा। तो आप इसके अंदर लिख सकते हो d 40 का स्क्वायर और ये अपॉन में dt। यहाँ पे देखिए फॉर कांस्टेंट है बेटा, क्या आएगा बाहर आएगा, फॉर कांस्टेंट है बाहर आएगा, दो पावर है बेटा बाहर आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना आएगा 8t हो गया, कितना हो गया 8t हो गया। अब इसी के अंदर आपको ये बोल दे कि ना भाई मुझे इसमें आगे 80 रिलेशन और चाहिए, क्या चाहिए 80 रिलेशन और चाहिए, 80 रिलेशन फाइंड आउट, फाइंड कीजिए। तो 80 रिलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, और a बराबर क्या होता है बेटा, dv अपॉन dt होता है। यानी कि आप वेग का, वेलोसिटी का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, वेलोसिटी का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पास में क्या मिलेगा बेटा, एक्सीलरेशन मिलेगा। x का करते हैं तो v मिलता है, v का करते हैं तो अपन क्या मिलता है, a मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये अपने पास में v कितना है, 8t है यहाँ पर, और ये dt, ये यहाँ पर कितना है dt है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 है बेटा, कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और t की पावर 1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब t की पावर 1 कम होती है तो क्या कहानी होती है, देखो इसकी पावर 1 तो है ही बेटा, एक पावर और कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8t की पावर 0, और आपको पता है बेटा t की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पास में a इजिकल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 80 रिलेशन आ गया। चले चलो आगे, अब देखिए आगे आगे देखते हैं बेटा, x बराबर माइनस का 4/t है, इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। देखो इसके अंदर पहले तो आप फर्स्ट निकालेंगे vt रिलेशन, सेकंड निकालेंगे इसके अंदर 80 रिलेशन, फर्स्ट vt रिलेशन और सेकंड 80 रिलेशन। तो कैसे निकालेंगे देखो, इसको v बराबर क्या होता है बेटा, dx अपॉन dt होता है, v बराबर dx अपॉन dt होता है। अब देखो x तो अपने पास में है लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो मैं कहूंगा x बराबर माइनस का 4t माइनस का 1, ओके। आप इसके अंदर इसको पुट कीजिए, तो d है माइनस का 4 है, t है माइनस का 1 है, अपॉन में dt है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है कि यहां पर माइनस का जो चिन्ह है विद साइन बाहर, सॉरी ये जो आपके कांस्टेंट जो चिन्ह है, यहां पर कांस्टेंट है बेटा माइनस का 4, ये विद साइन बाहर आएगा तो माइनस का 4, फिर पावर भी बेटा यहां पर पावर किसमें, माइनस के अंदर है, तो पावर भी विद साइन बाहर आएगी, यानी कि इनटू माइनस का 1, और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि माइनस का 1 तो पावर है ही, एक पावर और कम हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 4 टी का माइनस का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी सकते हो 4 अपॉन टी स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया बेटा vt रिलेशन, ये क्या आ गया vt रिलेशन आ गया। आपको यहां पर 80 रिलेशन और फाइंड आउट करना है, तो 80 रिलेशन के लिए आप क्या करोगे, यहां पर इसका आप डिफरेंशिएशन और करोगे, तो a बराबर क्या होता है dv अपॉन dt, एक ही बात है बेटा, ये यहां पर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म ही चाहिए होती है। देखिए d है 4t माइनस का स्क्वायर और ये अपने पास में dt, 4 बेटा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिए, 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया,
पावर है वो भी क्या आती है, बाहर आती है, और विद साइन आती है माइनस का टू, और एक पावर क्या जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो यहां पे कितना बेटा माइनस का एट टी, माइनस का एट, ठीक है, और टी की पावर माइनस का थ्री, माइनस का थ्री। इसको आप यूं ले सकते हो टी की पावर क्यूब। तो ये इस तरह से बेटा ये सॉल्व हो जाते हैं, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको प्रोसेस पता है या आपको किस तरह से ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी जो है क्लियरिटी जो है उतनी ही ज़्यादा आएगी, आपकी स्पीड जो है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बेटा। x बराबर फॉर रूट टी है यहाँ पर, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसके अंदर VT लेशन निकालेंगे और VT के बाद इसके अंदर AT लेशन निकालोगे। कैसे निकालोगे देखिए, मैं इसका फर्स्ट डिफ्रेक्शन करता हूँ तो वो क्या होता है dx अपॉन dt होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, VT रिलेशन फिर AT रिलेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। देखिए dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है, यानी कि x का आप अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, v मिलेगा। चलो देखते हैं, d है, 4 है, रूट का t है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको पता है बेटा t की पावर जो हाफ होती है ये रूट होता है बेटा, और ये dt हो गया। अब देखिए 4 कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर निकालिए, पावर बेटा वो बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो ये कट गया बेटा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा, दो। यहाँ पे आप ये देखोगे बेटा हाफ पावर है, एक माइनस का वन है, तो यहाँ पर माइनस का हाफ बच जाएगा, माइनस का हाफ बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया अपने पास, दो है और ये टी की पावर हाफ, तो या इसको ले सकते हो बेटा दो टी रूट, ये ले सकते हो आप उसको। तो ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, वी टी रिलेशन आया है, क्या है अपने पास में, वी टी रिलेशन आया है, ये वी टी रिलेशन आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, ए टी रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ए टी रिलेशन के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा करोगे, तो यहाँ पर कैसे करोगे इसको, ए बराबर क्या होता है बेटा डी वी अपॉन डी टी, ये करते हो बेटा। अब देखो ये क्या है, dv अपॉन dt है, तो देखिए a बराबर d है, यहां पर देखिए बेटा 2t है और ये माइनस का हाफ है, 2t माइनस का हाफ, इसका आप डिफ्रेंशिएशन और करोगे तो आपको क्या मिलता है, दो कॉन्स्टेंट बेटा बाहर आएगा, माइनस का हाफ बाहर आएगा, ठीक है, और t एक पावर इसके अंदर माइनस हो जाएगी, एक पावर इसके अंदर माइनस हो जाएगी। फिर देखिए क्या होता है, ये कट गया बेटा तो माइनस का वन, ठीक है, फिर ये बचता अपने पास में इंटू t की पावर, ये कितनी देखिए माइनस का तीन बटा दो, ठीक है, ये माइनस बेटा ऊपर रहेगा और t की पावर थ्री बाई टू लेंगे नीचे। अब थ्री बाई टू को आप कैसे ले सकते हो, इसको आप यूँ ले सकते हो माइनस का वन, ये t है, एक पावर वन और एक रूट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वन, इसके अंदर क्या है बेटा एक पावर छुपी हुई है और एक हाफ पावर छुपी हुई है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, हाफ पावर को रूट टू के अंदर लिख सकते हैं। देखिए ये हुआ, इसका सॉल्यूशन भी आप नोट कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, देखिए 5 2t और रूट टी, ये देखिए अब इसको कैसे करोगे, यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हो आप बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल है बेटा, डी वाई अपॉन डी टी, इसका भी वही है बेटा, एटीवीटी रेशन निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो देखिए ये d है बेटा, यहां पर आप क्या करोगे, 5/2 जो है वो देखो कांस्टेंट है, पहले इसको आप क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, किस में लेकर आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, तो देखो 5/2, ठीक है,
ठीक है, ये t की पावर कितनी है बेटा, हाफ है, और ये सॉरी वन है, और ये कितनी हाफ है, तो 1.5 हो जाएगा, ये 1.5। तो 5/2 कांस्टेंट है और t की पावर माइनस का 1.5 हो जाएगा, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो डी 5/2 और ये अपने पास में टी माइनस का 1.5 और ये डी टी लिखा आपने। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए बेटा, कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट बाहर, पावर विद साइन बाहर, विद साइन बाहर। ठीक है, उसके बाद एक पावर इसमें से कम कर दीजिए, एक पावर इसमें से कम कर दीजिए, एक पावर आपने क्या कर दिया यहाँ पर, कम कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 7.5 और बटे में 2 और ये हो जाएगा अपने पास में कितना, माइनस का 2.5। इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस का 7.5 बटा 2 और बटे में आओगे टी और ये 2.5। एक स्क्वायर है एक हाफ है, एक स्क्वायर है और एक हाफ है, तो इसको आप ले सकते हो माइनस का 7.5 ये 2 है।